हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सरगुजा का नाक लॉक, जिसे आसपास के लोग स्नैक पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह मेन पार्ट रोड से सटा हुआ है। यह मेन पार्ट रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ से आप कटिंग लेफ्ट साइड मेन पार्ट के लिए और सीधे जाएंगे आप यहाँ से नाक लॉक के लिए, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चल के मैं दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो पीछे मैं उधर है नाक लॉक जिसको बोलते हैं, जो कि अभी अभी फेमस हुआ है। जो लोग अभी जा रहे थे पंचधारा वाटरफॉल, ये पंचधारा वाटरफॉल का मेन रोड है उधर पंचधारा वाटरफॉल, तो उसके जस्ट बगल में है उधर जिसको नाक लॉक बोलते हैं। तो चलते हैं अपन लोग भी, आपको भी दिखाता हूँ पास से मैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों यह है लोकेशन, ये पंचधारा वाला रोड है और ये पंपापुर गाँव है, तो उसके जस्ट बगल में आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा ये नाक लॉक टाइप का बना हुआ स्ट्रक्चर। ये है जस्ट बगल में ही है रोड के। तो आप भी अगर आते हैं इस रास्ते पे, तो आप भी यहाँ के एक्सपीरियंस करते हैं इस जगह के बारे में। यहाँ से ये अपना तीनों बाइक यहाँ पर खड़ी है, इसके बाद चलते हैं नीचे, चलते हैं फिर आपको भी दिखाता हूँ और पास एक्सपीरियंस कराता हूँ नाक लॉक का स्नैक पॉइंट जिसको बोल सकते हैं अपन लोग। तो चलते हैं और दिखाते हैं। तो थोड़ा अपने को जो खेतों के बीच से जाना पड़ेगा। दोस्तों मेन रोड है, मेन रोड से ऐसे आ रहे हैं हम लोग इधर से, और उसके बाद जाएंगे इधर खेत, तो खेत के जो पायर बोलते हैं वो उससे हम लोग चल के जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए नाक लॉक चुके हैं, जहाँ पर नाक लॉक है जिसको नाक स्नैक पॉइंट या नाक लॉक जो भी बोल सकते हैं, और पहुँच गए हैं मेरे सामने तरफ में है। दिखाता हूँ आपको भी और यहाँ से और पास से आपको थोड़ा एक्सपीरियंस कराता हूँ नाक लॉक का। तो मैं आगे देख के चल रहा हूँ ताकि कीचड़ वीचड़ से बच सकूँ, और अभी यहाँ पर पानी आया था थोड़ा, यहाँ पर कीचड़ टाइप का है। तो ये है नाक लॉक, ये है कुछ यहाँ का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं कितना नाक लॉक टाइप, मतलब यहाँ पर जैसा लग रहा है कि सांप का बिल बना हुआ उस टाइप का, यहाँ पर ऐसा यहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा बना हुआ है यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। तो देख पा रहे हैं वहाँ पर जो तालाब है वही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ का स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत सा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर नाक का बिल जैसा रहता है उस टाइप का बना हुआ है, और इधर छोटा सा तालाब है, और इधर पूरा लग रहा है कि नाक का पूरा बिल है, सांप का बिल, और नीचे में अभी पानी गिरा, थोड़ा कीचड़ टाइप हो गया है। चलते हैं नीचे भी आपको दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं नीचे, और नीचे से चल के दिखाते हैं और पास से आपको। तो नीचे से ऐसा रास्ता है इधर जाने के लिए, थोड़ा सा पानी आया है। तो आगे यहाँ पर छोटा सा तालाब इधर, और यहाँ पर जो जंगल है उसका पानी कट कट के बना है इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो नीचे में पूरा बालू बालू है, और तो लाल माटी है इधर पीछे में, देखते हैं लाल माटी, देखते हैं पहाड़ है पूरा, उधर जंगल जंगल है, और अभी का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू है। और ये जो पहाड़ है यहाँ लाल माटी है, तो अभी पानी से कट कट के ऐसा स्ट्रक्चर बना है।
स्ट्रक्चर गिरे हुए हैं यहाँ पर और उधर भी गिरे हुए हैं, तो देख सकते हैं ये है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पानी से कट कट के बना है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर और बहुत ही मजबूत है ये। इधर जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि एकदम ढीला होगा लेकिन नहीं, बहुत टाइट है। अभी पानी यहाँ पर पानी से भींगा उसके बाद भी टूट नहीं रहा है, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है कट के, जैसा लगता है कि नाक सांप लोग का बिल रहता है उस टाइप का। यहाँ पर देख के थोड़ा डर लगता है लेकिन अच्छा है, खूबसूरत सा यहाँ पर यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है। थोड़ा सा दूरी भी बना हुआ है, कम से कम 200 मीटर पे बना हुआ ऐसा है, जो जंगल कट के बना हुआ था पानी से ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और आप जैसे कि उधर देख पा रहे होंगे हरा हरा पेड़, वो जंगल ही है। एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जगह को और देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम लोग भी अभी रास्ते पे जा रहे थे तो अचानक अपना नज़र पड़ा, तो फिर आया देखिए हम लोग, फिर हम लोग भी पास से आए देख रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत सा है स्ट्रक्चर है। मैं और पास से दिखाता हूँ और कि कैसा बना हुआ क्या स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा पहाड़ है, पीछे साइड में पहाड़ है, और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पानी से कट कट के ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा कि लग रहा है कि नाक का बिल है, सांप का बिल जैसा रहता है उस टाइप का बना हुआ है। देखते हैं, और ये पूरा लाल मिट्टी है। वहां तक पूरा बना हुआ है जंगल है, और ये पहाड़ टाइप से बना हुआ है, और यहां से पूरा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है। पास से दिखाता हूं मैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इधर पूरा बना हुआ है यहाँ से लेकर ऐसे इधर और पूरा उधर तक बना हुआ है, लगभग 200 मीटर तक ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और हम लोग भी देखने आ गए, देख के अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है यह जगह सरगुजा का नागलोक। तो आप भी अगर इस जगह को देखना, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा यह नागलोक, काफ़ी खूबसूरत लगा अपने को तो देखने के। हम लोग तो रोड से जा रहे थे तो दिख गया अचानक, तो हम लोग भी देखने आ गए, और काफ़ी बेहतरीन सा है यह नागलोक, सरगुजा का नागलोक। तो अगर आप भी जाते हैं पंजधारा साइड में, तो यहाँ पर पंपापुर गांव है, वहीं पर है यह नागलोक सरगुजा का, तो आप भी आ सकते हैं घूमने के लिए। थोड़ा सा रोड के जस्ट बगल में ही है, तो आप आसानी से आ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सरगुजा का यह नागलोक कैसा लगा। देखने में तो अपने को बहुत खूबसूरत लगा। अगर आप भी इस रोड में आते हैं तो देख लें इस जगह को, पास जाके देखें तो और खूबसूरत है। और जो ये ढांचा बना हुआ है एकदम मजबूत है, पानी आने के बाद भी यह डरता नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट पानी गिरा हुआ है और हमने अभी छू के देखा तो काफ़ी मजबूत था। तो अगर आप भी आते हैं इस रास्ते पर, तो आप भी यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करें इस नागलोक का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले इस जगह के बारे में, सरगुजा के नागलोक के बारे में।